पांच राज्यों में चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी की आशा के विपरीत रहे हैं। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे। पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से इन जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्यसमिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे, हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और पांचों राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।